दोस्तों, तुर्की की खिलाफत उस्मानिया अभी तक का मानव इतिहास का सबसे बड़ी सल्तनत थी। यह सल्तनत 600 से 700 सालों तक आधी दुनिया पे लगातार हुकूमत किया। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी, यानी तीन महाद्वीपों पे फैली हुई थी। खिलाफत उस्मानिया कायम होने के बाद 100 सालों के अंदर में आधे से ज्यादा दुनिया को फतह कर लिया था। मिस्र से लेकर फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और फ्रांस के आधे से ज्यादा हिस्सा खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में था। 17वीं सदी तक यह सल्तनत इतनी बड़ी और इतना मजबूत हो गया था, इसके पास दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत मौजूद था। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे बड़े बड़े मुल्कों ने भी खिलाफत उस्मानिया से कर्जा लिया करते थे। दोस्तों, ये सल्तनत इतनी बड़ी थी, जब 1923 में इसे खत्म किया गया तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। सल्तनत उस्मानिया की स्थापना उस्मान गाजी ने किया था, जो काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के पोते थे और अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। 1863 में खिलाफत उस्मानिया ने एक बैंक का स्थापना किया। इस बैंक को बनाने का मकसद देश के गरीब और कमजोर लोगों की मदद करना था। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इतिहासकारों का ये भी दावा है कि हिंदुस्तान के शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान भी खिलाफत उस्मानिया का ही हिस्सा थे। तर्क ये दिया जाता है कि उस्मानिया सुल्तान सर सलीम ने उनको अपना सिक्का हिंदुस्तान में चलाने की इजाजत दी थी। दोस्तों, उस्मानियों का खुद का अपना बैंक भी था। सल्तनत उस्मानिया ने ही दुनिया का सबसे ज्यादा डॉक्टर और वैज्ञानिक दिए। उस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस्तांबुल में रहता था। शिक्षा के क्षेत्र में सल्तनत उस्मानिया कितना आगे था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। खिलाफत उस्मानिया के दौर में हर मस्जिद, हर मदरसे में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। दोस्तों, उस दौर में तुर्की के मुसलमानों ने एक संगठन बनाया था, जिसका नाम अल अख्यान जमात था, जिसका काम गरीब और कमजोर लोगों की आर्थिक मदद करना था। अल अख्यान ये अमीरों लोगों की जमात थी, जिन लोगों ने अपनी तमाम दौलतें गरीबों के ऊपर निछावर कर दी थी। उस वक्त खिलाफत उस्मानिया की फौज सबसे ताकतवर फौज हुआ करती थी, क्योंकि ये उस वक्त का सुपर पावर था। जिस तरीके से आज अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर है, 1923 से पहले पूरी दुनिया का सुपर पावर खिलाफत उस्मानिया था। आप सभी जानते ही हैं कि ये एक इस्लामिक साम्राज्य था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बारूद से चलने वाली तमाम हथियारों की खोज तुर्की के मुसलमानों ने ही किया था। लेकिन यहाँ जब हथियार की बात आ ही गई है, तो हम आपको बता दें कि हमारे हिंदुस्तान में भी एक हथियार का खोज हुआ था, जिसके दम पे आज के तमाम सुपर पावर देश इतरा रहे हैं। वो हथियार था रॉकेट, जिसका आविष्कार हजरत टीपू सुल्तान ने किया था। अभी के दौर में मानो रॉकेट के बगैर सुपर पावर बनना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि स्पेस हो या परमाणु बम को लॉन्च करना, इन सब में रॉकेटों का इस्तेमाल होता है। फाइटर जेट तो मानो रॉकेट के बगैर कुछ भी नहीं। वहीं अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो उसमें अगर रॉकेट ना हो तो दुश्मन देश धज्जिया उड़ा के चले जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी के दौर में सुपर पावर रॉकेट टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। पानी में चलने वाले जहाजों पे सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल और तोपों का इस्तेमाल उस्मानिया सल्तनत के दौरे हुकूमत में ही हुआ था। हिंदुस्तान में सबसे पहले तोप और बारूद का इस्तेमाल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जहीरुद्दीन बाबर जिन तोपों को हिंदुस्तान लाया था, वो तोप भी तुर्की के मुसलमानों से ही लेकर आया था। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि खिलाफत उस्मानिया के तीसरे शासक यानी मुराद अव्वल ने ही बॉडीगार्ड रखने की रस्म शुरू किया था। यानी दुनिया में सबसे पहले बॉडीगार्ड उन्होंने ही रखे थे। ये उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो आसपास के चीजों पे नजर रखते थे। दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट जो उस्मानिया सल्तनत से रिलेटेड है, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।